भांगड़े का नाम सुनते ही आपने आप कदम थिरकने लगते हैं और आज हम आपको मिलवा रहे हैं कनाडा के कुछ नौजवानों से जिनका भांगड़ा पूरी दुनिया को थिरका रहा है। मैरिटाइम भांगड़ा ग्रुप का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसका सुरूर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अब तक 16 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, तो आप भी हो जाइए तैयार और लगा लीजिए एक दो ठुमके। नाचिए, मस्त हो जाइए, क्योंकि जो वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे देख आज दुनिया झूम रही है। तीन सिख युवाओं का ये भांगड़ा YouTube पर तेजी से वायरल हो रहा है। इन अल्फाजों को समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं, इस डांस पर झूमने के लिए किसी स्टेप को जानने की जरूरत नहीं। बस थिरकना शुरू कीजिए और थिरकते जाइए। ये वीडियो कनाडा में शूट हुआ है। बर्फबारी की वजह से सड़कें बर्फ से पटी पड़ी हैं और ऐसे में ये तीन युवा कुदाल लेकर बर्फ हटाने निकले हैं। लेकिन इस मुश्किल काम के बीच जैसे ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई दी, कदम खुद ब खुद थिरकने लगे और फिर भांगड़ा के बीट पर ऐसा कदम ताल हुआ कि दुनिया देखती रह गई। दिसंबर को ये वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया गया और तब से अब तक इसे 16 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा की ठिठुरती ठंड में इस वीडियो की वजह से ऐसी गर्माहट आई है कि हर तरफ अब इन्हीं लड़कों की चर्चा होने लगी है। भांगड़ा डांस करने वाले इस ग्रुप का नाम है मैरिटाइम भांगड़ा ग्रुप। इस ग्रुप से जुड़े नौजवान इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर भांगड़ा कर चुके हैं। हर बार ये वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करते हैं, लेकिन बर्फ हटाते हुए भांगड़ा के वीडियो ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। मैरिटाइम भांगड़ा ग्रुप खुद ही डांस नहीं करता, बल्कि पंजाबी बीट पर अब ये विदेशियों को भी नचा रहे हैं। पंजाब का ये लोक नृत्य बच्चों से लेकर बड़ों तक इतना लुभा रहा है कि हर कोई बल्ले बल्ले करने पर आमादा है। हालांकि मस्ती भरे सफर की शुरुआत किसी खुशनुमा लम्हे से नहीं हुई थी। 3 साल पहले इस ग्रुप को शुरू करने वाले हसमीत सिंह का कहना है कि हमें पगड़ी और दाढ़ी की वजह से अजीब निगाहों से देखा जाता था। हम यहाँ के लोगों को ये बताना चाहते थे कि हम जिंदा दिल इंसान हैं और दूसरों की खुशी बांटते हैं। और इसके लिए उन्होंने पंजाब की मिट्टी से निकले भांगड़ा को जरिया बनाया। ढोल नगाड़ों की थाप पर या पंजाबी गानों की धुनों पर लोगों के बीच जाकर थिरकना शुरू किया, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया और देखते ही देखते सारा मंजर ही बदल गया। कनाडा में रहने वाले सिखों को तो खुशी मिली ही, कई विदेशियों ने बताया कि इस डांस को देखकर उनका डिप्रेशन दूर हो गया। मैरिटाइम भांगड़ा ग्रुप के सदस्यों में से कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ नौकरी पेशा है। इसके बावजूद वो डांस के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। दूसरों तक खुशी पहुंचाने की इस मुहिम में ये डांस ग्रुप अब एक कदम आगे बढ़ चुका है। अब ये ग्रुप अपने वीडियोस के जरिए लोगों से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि उनकी इस पहल का भी शानदार स्वागत होगा।
ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भंगड़े का कमाल सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा रहा है। ब्रेक के उस पार भांगड़ा के ढोल की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। पंजाब की झलक दुनिया के हर कोने में दिखने लगी है। क्या देसी क्या विदेशी, हर कोई भांगड़े के स्टेप्स पर थिरक रहा है। यहां तक कि कनाडा के प्रधानमंत्री भी भांगड़ा के दीवाने हैं। वाह क्या लटके झटके हैं, क्या ठुमके हैं, क्या कदम से कदम मिलाया है। विदेशियों को भारतीय गानों पर थिरकते देखना हमेशा दिलचस्प होता है। अल्फाजों को समझे बगैर बस धुन पर थिरक जाना, बिना किसी ट्रेनिंग के जैसे तैसे हाथ घुमाना, बिना किसी शर्म के बस दिल खोल कर झूमना। लेकिन तब भी उनका डांस गजब होता है, दिल को छू जाता है। लेकिन जरा इन्हें गौर से देखिए, चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। नहीं हम बताते हैं, ये कोई आम विदेशी नहीं है, ये है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन का भांगड़ा बेशक ऑथेंटिक भांगड़ा ना हो लेकिन आढ़ा टेढ़ा जैसा भी है ये आपको झुमा जरूर देगा। कनाडा में तो भांगड़े का सुरूर है, लोग सड़कों पर भी भांगड़ा करते नजर आ जाएंगे। पंजाब की मिट्टी की खुशबू ही ऐसी है कि हर किसी को अपना मुरीद बना लेती है। हम अक्सर भारतीयों पर पश्चिमीकरण के असर की बात करते हैं, उनके भारतीय संस्कृति से दूर जाने की बात करते हैं। भारतीय बेशक अंग्रेजी गानों और डांस स्टाइल के दीवाने हो गए हो लेकिन विदेशियों को तो भारतीय गाने ही भा रहे हैं। विदेशों में भांगड़ा छाया हुआ है, कनाडा समेत कई देशों में भांगड़े का डंका बोल रहा है। यकीन ना हो तो ये देखिए, ये है बेल्जियम गॉट टैलेंट का मंच। यहाँ तो पंजाब के भांगड़े ने धूम मचा दी। पंजाब की ऐसी झलक दिखाई कि दर्शक तो भांगड़े के फैंस हुए ही, जज भी खुद को भंगड़ा करने से रोक नहीं पाए। हजारों किलोमीटर की दूरी, अनजान अनसुनी भाषा, लेकिन तब भी भांगड़े ने अपनी थिरकन का हर किसी को कायल बना दिया। सही कहते हैं कि कला सीमाओं में नहीं बनती, वो रंग रूप और बोली नहीं सुनती। और भारतीय संस्कृति तो इतनी समृद्ध है कि वो सात समुंदर पार भी अपना जादू चला देती है। भंगड़ा इतना जबरदस्त था तो शो का टिकट तो पक्का होना ही था। वाह क्या गजब की मूनवॉक की है। माइकल जैक्सन को इससे बढ़िया ट्रिब्यूट और क्या हो सकता है। अरे लेकिन ये सरदार जी कहाँ से आ गए, इतना बढ़िया डांस चल रहा है और इन्हें झाड़ू लगाने की पड़ी है। Whoa, whoa,
लच्चा खा गए ना आप भी। ये सफाई कर्मी नहीं बल्कि इनके जोड़ीदार हैं। पहले तो कोई नहीं समझ पाता कि ये सरदार जी आखिर है कौन। शो एंकर से लेकर जजेस तक हैरत में पड़ गए कि ये भी कोई झाड़ू लगाने का वक्त है भला। लेकिन फिर सरदार जी ने अपने भंगड़े से जो सवा बांधा तो क्या ऑडिशन और क्या जजेस, सभी इनके मुरीद हो गए। ये भंगड़े का ही कमाल था कि सिग्नेचर जोड़ी ब्रिटेन गॉट टैलेंट के सीजन 2 में दूसरे नंबर पर रही। भांगड़े की खूबी ही ऐसी है कि आप चुटकी बजाते झूम पड़ते हैं। डांस नहीं आने का कोई बहाना ही नहीं, कदम उठाने की जरूरत ही नहीं, पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। हम भारतीय और हमारी संस्कृति है ही ऐसी कि हर किसी को अपना बना लेती है। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि भंगड़ा ही नहीं फिल्म बल्कि हिंदी फिल्मों के गाने भी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ब्रेक के उस पार। के बाद आपको स्वागत है। हिंदी गानों ने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक आपको हिंदी गानों और फिल्मों के फैंस मिल जाएंगे। भारत अब सिर्फ विकास की दौड़ में ही नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर के तौर पर भी पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। नजाकत भरी अदाएं, हर ताल पर ठुमके, गजब का तालमेल। हर स्टेप पर जोखिम, एक गलत कदम और खेल खत्म, मगर चेहरे पर शिकन नहीं बल्कि सौम्य मुस्कान। लाल रंग का जोड़ा, उस पर शेरवानी का साथ और कजरारे जैसे हिट गाने का नाच। इनके थिरकते कदमों को देखकर क्या आप कह सकते हैं कि ये भारतीय नहीं है? ये है मेरिल डेविस और चार्ली वाई, अमेरिकी आइस डांस चैंपियंस, ओलंपिक में अपना लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन इस प्रतियोगिता में तो इन्होंने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनका बेहतरीन डांस भारत में सुर्खियां बन गया। इस डांस के बाद तो इन दोनों की फैन फॉलोइंग सात समुंदर पार भारत तक पहुंच गई। फिल्म दबंग में चुलबुल पांडे के तो आप जरूर फैन होंगे, लेकिन अब मिलिए विदेशी चुलबुल पांडे से, वो भी एक नहीं बल्कि तीन चुलबुल और दो चुलबुली पांडे से। सलमान के स्टाइल में बेल्ट घुमाना, फिर सीटी बजाकर कमर हिलाकर ठुमके मारना, इनका अंदाज गजब का है। इनका डांस देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे। बेशक ये सलमान खान के डांस को टक्कर ना दे पाए, लेकिन इनके जोश को तो दाद देनी पड़ेगी। लेकिन डांस यही खत्म नहीं होता, आगे बात होती है बेस बढ़ाने की। दिवाली पर न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर के पुलिस विभाग ने दिवाली सेलिब्रेशन का आयोजन किया था। जश्न में शिरकत करके मकसद था लोगों के दिमाग से पुलिस की छवि बदलना। सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गया। गानों का क्रेज कहां तक पहुंच गया है, ये तो इसकी बस एक वानगी है। जरा आगे देखिए।
भारत और रूस हमेशा से ही गरीब रहे हैं। राज कपूर के जमाने से ही रूस में भारतीय फिल्मों का जबरदस्त क्रेज है। जरा इस गाने को ध्यान से सुनिए। आप कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि अल्फाज रूसी हैं, लेकिन धुन आप बिल्कुल पहचान गए होंगे। गाना सुनकर आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि गायिका हिंदुस्तानी नहीं बल्कि रूसी है। ये वीडियो है रूस के एक टैलेंट शो का। कुछ महीने पहले एक टीम ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए इस हिंदी गाने को चुना। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती का डिस्को फीवर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि रूस में भी धूम मचा रहा था। और ये अब भी जारी है। पूरी दुनिया तो पहले ही भारत का लोहा मान रही है। हर क्षेत्र में भारत आगे निकल रहा है और अब भारतीय गाने, फिल्में और संस्कृति भी दुनिया में अपनी धाक जमा रही है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए हादसा।